हेलो दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूं आपका स्टडी फॉर लाइफ में। हमारा करंट का आज तीसरा वीडियो है। ये सीरीज पूरी चलती रहेगी आगे तक, आशा है आपको पसंद आएगी। बहुत हल्के तौर पर हम आपको करंट तैयार करवाएंगे। निष्ठा के तहत प्रथम स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में एक अभियान चलाया गया, जिसमें 86,000 शिक्षकों को सशक्त बनाया गया। जल गुणवत्ता रिपोर्ट प्रेषित हुई, जिसमें मुंबई का जल बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है और दिल्ली का जल सबसे निम्नतम गुणवत्ता वाला। इसमें 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में नल और शुद्ध पानी की व्यवस्था करने का प्रावधान भी है। लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। लद्दाख अभी नया राज्य बना है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं राधाकृष्ण माथुर। सांभर झील कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। तो यहाँ पे कुछ पक्षियों की मृत्यु हो गई है, जिसको भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, जो बरेली उत्तर प्रदेश में है, इससे एक रिपोर्ट आई कि इसका कारण एवियन बाटुलिज्म था। एवियन बाटुलिज्म क्या होता है? ये फ्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इससे न्यूरोमस्कुलर की बीमारी हो जाती है और पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक पक्षी ही नहीं, बाटुलिनम बैक्टीरिया ए बी सी डी ई एफ कई प्रकार के होते हैं और इनसे जो सी डी ई बाटुलिनम होता है उनसे पक्षियों में बीमारी होती है और ए बी ई बाटुलिनम जो होता है उससे मछली और स्तनधारियों में बीमारी होती है और एफ बाटुलिनम से मानव भी प्रभावित हो जाता है। सिख संग्रहालय एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई कहाँ? जबलपुर में, एमपी में। नया विदेशी सहयोग विभाग बनाया गया है हरियाणा में। भारतीय पोषण कृषि कोष बीपीकेके की स्थापना 18 नवंबर 2019 को की गई और इसमें इसका मूल उद्देश्य क्या है? जनता को कृषि कार्यों के लिए एक कोष बनाया गया है। आठवां कृषि सांख्यिकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया, जो भारत में फर्स्ट टाइम था। इसके मुख्य अतिथि बिल गेट्स थे और ICAS यानी कि कृषि सांख्यिकी सम्मेलन कब से शुरू हुआ? 1998 से। और पिछली बार ये कहाँ हुआ था? 2016 में रोम में हुआ था। यह प्रत्येक 3 वर्ष पे आयोजित होता है। स्वच्छ निर्मल तट अभियान, इस ये अभियान चलाया गया जिसमें 50 समुद्र तट को चिन्हित किया गया और जनता को जागरूक किया गया कि समुद्र तट को स्वच्छ रखा जाए। जियो केमिकल बेसलाइन एटलस ऑफ इंडिया की स्थापना की बनाया गया, कहाँ पे? हैदराबाद में। इस एटलस में 45 मानचित्र हैं, जो इनसे हमें एक जानकारी मिलती है मृदा सतह और उसके नीचे जो धातुएं हैं ऑक्साइड एवं तत्वों की, सभी की जानकारी इन एटलस में उपलब्ध है। सिसेरी नदी पुल की स्थापना की जा रही है कहाँ पे? अरुणाचल की लोअर दिबांग घाटी में। अरुणाचल पूर्वोत्तर में है, ईटानगर इसकी राजधानी है और ये सिसेरी पुल 200 मीटर का है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? BRO के द्वारा। BRO क्या है? सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी ब्रह्मांक परियोजना के तहत ये सिसेरी पुल बनाया जा रहा है। BRO की 4 परियोजना है, बर्तक, अरुणांक, ब्रह्मांक और उद्यांग। बेस्ट इमर्जिंग ग्रीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है, ये भी किसको मिला है? अरुणाचल को। और ये किसने दिया है? ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन द्वारा इसका सर्वेक्षण करके इसको दिया गया है। आदि महोत्सव का आयोजन हुआ कहाँ पे? दिल्ली में। ये किस लिए था? ये जनजाति संस्कृति शिल्प कला भोजन आदि का इसमें प्रदर्शन किया गया था। किसके शिल्प कला और भोजन का? जनजातियों के, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, आदि महोत्सव मतलब आदिवासियों के। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 दिया गया, ये कब प्रदान किया गया? 19 नवंबर 2019 को, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। इसमें कौन शीर्ष पे था? तमिलनाडु इसमें शीर्ष पे था और जिसमें नागरिक भागीदारी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से थी। रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर मशीन की स्थापना की गई कहाँ पे? कोलकाता नगर निगम में, चार स्थलों पर। इससे क्या किया जाएगा? डेंगू और टीबी जैसी बीमारियों की जांच की जाएगी। कोलकाता किस नदी के किनारे है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे। तो आशा करती हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।